झारखंड की उपराजधानी दुमका में दुर्गा पूजा के दौरान डीजे के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया है। पूजा के दौरान भड़काऊ गाना बजाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के लिए विशेष टीम बनाई गई है। सीसीटीवी कैमरे से सभी पूजा पंडालों के साथ पूरे शहर में नजर रखा जाएगा। सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम होगा। बाइक पर चलने वाले मंचलों के साथ सख्ती बरती जाएगी। दुमका के इंडोर स्टेडियम में दुर्गा पूजा को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की हुई बैठक में स्थानीय प्रशासन ने दुर्गा पूजा समितियों से सौहार्दपूर्ण माहौल के बीच पूजा का आयोजन करने एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने में जिला प्रशासन को सहयोग करने की अपील की है। बैठक के दौरान शहर एवं जिले के विभिन्न पूजा स्थलों पर साफ सफाई कराने, कूड़ेदान की व्यवस्था कराने, लाइटनिंग की व्यवस्था एवं खराब पड़े सभी लाइट्स की मरम्मती कराने का दिशा निर्देश दिया गया। पूजा स्थलों तक जाने वाले रास्तों पर समुचित ट्रैफिक व्यवस्था और भीड़ भाड़ वाले पंडालों के निकट रोशनी युक्त और सुरक्षित पार्किंग की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया गया। सभी पूजा पंडालों में सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया गया और बताया गया कि पूरे शहर की निगरानी सीसीटीवी कंट्रोल रूम से की जा रही है। अभी हमने ये निर्णय लिया हम लोग कि टोल फ्री नंबर को दुर्गा पूजा का टाइम में 24/7 चलाएं, मतलब 21 तारीख से 25 तारीख तक। अभी तो 10 बजे से 6 बजे तक चलता है, बट स्पेशली हम लोग 21 तारीख से 25 तारीख तक रात में भी चलाएंगे और जो भी इशू रहेंगे जिला में तुरंत हमको सूचना उसके माध्यम से मिल जाए और सभी को जी इमरजेंसी केस में भी ये काम करेगा 100%। नंबर आप लोगों को पहले भी हम लोग बताया, अभी भी बता रहा हूँ, 1800-345-2789। वेरी बहुत सिंपल है, याद रखना 1800-345-2789। ये पूजा छुट्टी के टाइम भी ये काम है? नहीं, अभी भी चलता है, एवरी डे चलता है वो। हम लोग उस दिन इनाग्रेट भी किए थे कि जो भी इशू के लिए हम लोग जिला प्रशासन को कॉल करके बता सकता है, पर पूजा का टाइम में इसको 24/7 चलाए। बहुत बहुत है, पुलिस की पर नियुक्ति है, उसको किस तरह से इंप्लीमेंट करना है, क्या क्या पुलिस पदाधिकारी? हम लोग जिला स्तरीय शांति समिति का आज बैठक किए जिसमें डीसी सर और हम लोग सब साथ में रहे और पूजा कमेटी के लोग थे। उन लोगों के लिए कि काफ़ी ये जो हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है इसके लिए हम लोग उनको बधाई दिए और साथ ही साथ प्रशासन का सहयोग करने के लिए बोले, जिसमें 2-3 बातें हम लोगों ने कहा है कि पुरुष और महिलाओं का अलग अलग प्रवेश और निकास द्वार के बनाए और फायर के बचाव के लिए जो इक्विपमेंट वो रखेंगे और साथ ही साथ 10-10 वॉलेंटियर हम लोग को देंगे जो हम लोग का सहयोग करेंगे और जो रूट चार्ट और वन वे और नो एंट्री हम लोग बनाए हैं प्रॉपर वो प्रिंट मीडिया और आप लोग के माध्यम से हम लोग प्रचारित और प्रसारित करेंगे और विसर्जन के दौरान जो विशेष तौर पर हम लोग देखेंगे कि जो वैसे गाना जो किसी संप्रदाय की भावनाओं को आहत करते वैसे म्यूजिक ना बजाए और जो भी गाना बजेंगे और वो पहले से हम लोग को सुना दिया जाएगा, उसका लिस्ट हम लोग के पास रहेगा, वो देने का बोले हैं। और 10 बजे के बाद अगर कोई भी डीजे बजाते हैं, किसी तरह का असली गाना बजाते हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, हम लोग तो डीजे को ही प्रतिबंध लगाए हैं, तो सामान्य साउंड बॉक्स की बात हो रही है। डीजे विसर्जन में या इस तरह की जो बातें हैं कि उसको रोक लगाना है। अब पूजा को लेकर कम साउंड में कोई अगर बजाते हैं तो जिसे किसी को आपत्ति नहीं है, साउंड सिस्टम किसी भी हालत में जो निर्धारित समय उसे बाहर नहीं जाना है और विसर्जन के दौरान डीजे नहीं लगना है, ये तो क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। और हम लोग अलग से कंट्रोल रूम को एक्टिवेट किए हैं, अलग अलग पदाधिकारी वहाँ पर नियुक्त है, दंडाधिकारी भी दिए गए हैं और साथ ही चौक चौराहों में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए अलग से बल दिए हैं और जितने भी पूजा पंडाल हैं वहाँ पर हम लोग महिला और पुरुष बल समान रूप से वहाँ पर हर एक जगह रहेंगे और हम लोग काफ़ी मुस्तैद हैं इसको लेके और जितने भी तैयारियां प्रशासनिक स्तर से करनी है हम लोग एक्सरसाइज कर ली है। फिर भी षष्ठी सप्तमी के बाद फिर भीड़ आएगी और श्रद्धालु आएंगे शहर में, उसके बाद अगर उसमें फिर देखा जाएगा कि कहीं अगर कुछ फेरबदल करने की आवश्यकता है तो तत्समय हम लोग उसको करेंगे और किसी भी श्रद्धालु को असुविधा ना हो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। सर, जो ट्रैफिक निर्धारित किया है पार्किंग की क्या स्थिति रहेगी? पार्किंग के लिए भी जो हम लोग पब्लिश करेंगे उसमें पार्किंग का भी वहाँ व्यवस्था किया गया है, जैसे कि विजय स्टोर से पहले मस्जिद के पास वाला जगह है, हॉस्पिटल के पास है और एक रोड को भी चिन्हित किए हैं जिसमें एक साइड में पूरा पार्किंग कर सके, बस स्टैंड को हम लोग पार्किंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रॉपर प्लानिंग किया हुआ है, उसको हम लोग आप लोग के माध्यम से प्रचारित और प्रसारित कर लेंगे। सर, सोशल मीडिया को लेकर